एसआरएच में आते ही ईशान किशन पर छाया ट्रेविस हेड का भूत, 14 गेंदों में ठोक डाले 74 नाबाद रन, जड़ दिए नौ नौ छक्के। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने एसआरएच में जैसे ही एंट्री मारी है, एसआरएच ने जैसे ही उन्हें ऑक्शन में अपने पाले में शामिल किया, मानो उनके अंदर ट्रेविस हेड का भूत ही आ गया। ट्रेविस हेड जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ठीक उसी तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन ने भी कर डाली और ये बता दिया है दुनिया को कि इस आईपीएल में एसआरएच की टीम 300 क्या 400 रन भी ठोक डालेगी। इसे देखकर दूसरी टीमें डरी हुई है, दूसरी टीमों के मन में दहशत है, दूसरी टीमें समझ नहीं पा रही कि अब एसआरएच के सामने गेंदबाजी कैसे करेंगे। तो एक बार आपको हम ईशान किशन का प्रदर्शन बताते हैं, कैसे ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। वो ईशान किशन जिसे मुंबई ने रिलीज कर दिया, वो ईशान किशन जिसके बारे में आप जानते तो बहुत कुछ है लेकिन उसे मैदान पर लंबे समय से देख नहीं पा रहे हैं। आपको ईशान किशन की काबिलियत का तो अंदाजा है लेकिन ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है, उनके साथ राजनीति हो रही है। लेकिन ईशान किशन का ही कहना है कि तमाशा तो मैं अब अपने बल्लेबाजी से करूंगा। ऐसे में ईशान किशन अब किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी आईपीएल में। लेकिन अभी तो ईशान किशन ने तबाही मचा रखी है। एसआरएच में आते ही ईशान किशन पर छाया ट्रेविस हेड का भूत। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने ट्रेविस हेड का भूत अपने सिर पर सवार कर लिया है और उसी तरीके से बल्लेबाजी की है। तो आपको ईशान किशन की बल्लेबाजी की पूरी कहानी बताते हैं। 14 गेंदों में ठोक डाले नाबाद 74 रन। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ईशान किशन ने कहां पर ऐसी बल्लेबाजी कर दी है कि उन्होंने 14 गेंदों में ही नाबाद 74 रन ठोक दिए। तो बता दें कि ईशान किशन ने बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त की है। जी हाँ दोस्तों, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन की बल्लेबाजी की बदौलत ही झारखंड की टीम ने 4 ओवर 3 गेंदों में 94 रन का टारगेट चेज कर लिया। बता दें कि ईशान किशन ने बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए और यहाँ पर उन्होंने 5 चौके और 9 छक्के लगाए। अगर आप ईशान किशन की बल्लेबाजी पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि ईशान किशन ने 14 गेंदों में ही नाबाद 74 रन ठोक दिए। ईशान किशन ने 5 चौके लगाए जिसके 20 रन हुए और 9 छक्के लगाए जिसके 14 रन हुए, यानी कि ईशान किशन ने तो बाउंड्री से ही 14 गेंदों में नाबाद 74 रन ठोक दिए। ईशान किशन की बल्लेबाजी का ही कमाल था जो झारखंड ने 5 ओवर के अंदर अंदर ही ये टारगेट चेज कर दिया। ईशान किशन एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। ईशान किशन को इस बार ऑक्शन में मुंबई की टीम ने अपने पाले में शामिल नहीं किया था लेकिन ईशान किशन है कि वो बल्लेबाजी से हर किसी को प्रूफ करना चाहते हैं। ईशान किशन बताना चाहते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है और ईशान किशन को इस बार यहां पर एसआरएच की टीम ने भरोसे में लिया और ईशान किशन को अपने पाले में शामिल किया। आईपीएल नीलामी में हैदराबाद ने जताया था भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल नीलामी में ईशान किशन पर किसी और ने नहीं बल्कि हैदराबाद ने भरोसा जताया और ईशान किशन को 11 करोड़ से ऊपर की रकम देकर टीम में शामिल किया। अब हैदराबाद की टीम देखिए, अगर हैदराबाद की टीम में ईशान किशन ओपनिंग ना भी करे तो उनके टॉप 3 में जगह बनने के आसार बहुत ज़्यादा है। ईशान किशन नंबर 3 पर खेल सकते हैं और हैदराबाद की टीम अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। तो सोचिए ये तिकड़ी कितनी खतरनाक होगी। ये ऐसी तिकड़ी है जो जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकती है। हैदराबाद की ये 3 खिलाड़ी मिलकर अब 6 ओवर में 100 या 150 रन भी ठोक सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ईशान किशन की बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि ईशान किशन को मुंबई की टीम को लेना चाहिए था? क्या मुंबई की टीम ने ईशान किशन को छोड़कर भारी गलती की है? और क्या आपको लगता है कि अब ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया, ईशान किशन टीम इंडिया में नहीं खेल पा रहे और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल करना चाहिए? तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और कॉमेंट बॉक्स में अगर आप ईशान के सबसे बड़े फैन हैं तो लिख दीजिए टीम इंडिया में ईशान किशन की वापसी जरूर हो। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।